शायद मुझे लग रहा है मर गया, और ये जो है एक्सीडेंट से ही मरा होगा। ये देखिए कोई हरकत नहीं हो रही है, मुझे तो लग रहा है ये एक्सीडेंट से ही खत्म हुआ है। और देखो भाई यार, कोई भी अगर गाड़ी चला रहा है, अभी दांत है मिल तोड़ा हूँ है। अच्छा कन का पता चल जाऊंगा, डेढ़ साल में दांत तोड़ जी नहीं। अच्छा डेढ़ साल में, डेढ़ साल अच्छा ठीक ठीक, डेढ़ साल में दांत तोड़ने बहुत डेवर। अच्छा दांत तोड़ना यहाँ मतलब वो डेढ़ साल हो गए, डेढ़ साल हो गए। अच्छा अच्छा सही, तो बहुत बढ़िया जानकारी दे तुम्हें। अगर और हमेशा ही तारीफ करते हो तुम तो भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जो भी है थैंक यू सो मच जोशी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू, और थैंक यू मैडम के लिए भी कि जिन्होंने शेरा क्या कहते जीवन जिन तुम्हारा पंद्रह तकरीबन तकरीबन सभी लोगों जिन्हें बकरा ना सभी है। ये देखो हाँ भाई, हम जो थे स्कूल बटवाणी चाह और हम पहले पहुंच गए का। नमस्कार मैडम जी, नमस्कार। बाहर का खाना और नाश्ता अंदर खाना मना है। दगड़ियों स्वागत है आपको हमारे नए ब्लॉग में, और आज जो ब्लॉग की शुरुआत करना चाहा मैं हरिद्वार बेटे की। तो आज मैं जानू छो गढ़वाल दर्शन करो को अपर पहाड़ में, और आज हरिद्वार में छो मैं अभी, और आज ब्लॉग की शुरुआत जो हरिद्वार में होनी। तो आप तो अग्नि अभी दिखो ला, और अग्नि जूच मिल जाने एक बेटी की हरिद्वार बेटी जान मिल कोटद्वार, कोटद्वार बेटी लेंस डाउन, लेंस डाउन बेटी की रिगणी खाल, और रिगणी खाल बेटी जान मिल कालू डांडा। तो जो भी रास्ते में इवेंट आएगा, जो भी रास्ते में अच्छी अच्छी चीजें आएंगी, वो आपको मैं दिखाता रहूंगा। दगड़ियों में पहुंच गया हूँ कोटद्वार, और कोटद्वार जो है झंडा चौक हम छोमे, और अब एक बार मैं अग्नि निकल, और आप देखा झंडा चौक जो कोटद्वार है वो जो एक तरफ से देखा जाए तो पूरा सेंटर पॉइंट है कोटद्वार का। अगर तो एक बिड़गी चूच जो जंगल झंडा चौक मार्केट शुरू हो जाए। कोटद्वार में बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग छ दुकान की, और आप देख सकते चाहे कि यह दुकान छ काफी पुरानी छ, और ये किया स्वीट शॉप निरिंग कर स्वीट शॉप। तो झंडा चौक में हमेशा भीड़ ही रहती, और आज भी काफी भीड़ छो। दगड़ो में पहुंच गया अभी दुर्गटम दुर्गा मंदिर पास, और मैं दिखाऊँ जानो आप लोगों थे काफी पुराना मंदिर छू और काफी पुराना इतिहास किया को। और ये बढ़िया जिन भाई साहब प्रसाद प्रसाद लेके, नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। ये उच्च मंदिर को और एक समय बिठाने चाहिए नयार। नमस्कार भाई जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और ये भाई साहब मिल गए नाम थे, अब अच्छी बात है आज भी आज आप दुर्गा मंदिर दर्शन करो कहाँ छा। तो आप भाई साहब कहीं जगह जहाँ श्रामपुर का आशीर्वाद है जी, बहुत बढ़िया आशीर्वाद। लेकिन एक चीज है यहाँ पर देखा जाए तो ये खतरनाक मोड़ भी है, है ना, और खतरनाक मोड़ पे जो है मंदिर बना हुआ है, और माता की कृपा है। खैरी कमाई, और मंदिर के पास थोड़ा सा कंजेस्टेड तो है ही, अगर प्रशासन इसको देखे तो पहाड़ को काट के और थोड़ा सा इसको जो है कि पार्किंग वर्किंग की जगह बना सकते हैं अगर चाहे तो, क्योंकि यहाँ देखिए सबने उल्टा सीधा गाड़ी लगाई। एविडो में छुआ पर रही है ऐतमा जो की दुपट्टे में आऊँ दो, और एक में हम गाड़ी जो तो पेट्रोल डालना चाह, और एक बार पेट्रोल डाल के अगने जाना बोलो। तो मैं पहुंच गयो दुपट्टे में जमा की पानी धार चो, और यू बहुत फेमस पानी धार चो, आप देख सकते हैं कि इसमें काफी अच्छी तरह से पानी को सिस्टमेटिक तरीके से बनाई हुई, आप देख सकते हैं यूच, और यूच देखा ये शेरा गिज बटी पैन आनु, और एक यूच यू नंदी गिज बटी पैन आनु,
अरे आज पानी धार में तिबड़ी लगी है, झरना बहुत ही सुंदर दृश्य। और आप जब भी ये रास्ता आले तो पक्का जूच देखो पानी पिया। वगैरह और अमन भाई ने जो है कैमरा पकड़ा मेरा, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई अमन भाई, थैंक यू सो मच। आप ये लगाते हो ठेली? अच्छा, अब क्या क्या है आपके पास में? अभी देखो भाई, बैजल जो है टिक्की है, उसके बाद में गोलगप्पे हैं, और एक बाद में क्या चीज, चाउमीन वगैरह भी बनाना, मोमोज भी है, मोमोज भी है। अच्छा यार, ये बहुत अच्छे बने हुए होंगे। और बगल और एक बगल दगड़ियों, देखो ये एक चीज है, ये पानी के बगल में जो चो ये चलता फिरता जो है टॉयलेट भी तरी था, तो ये पानी से जरूर दूर हो चाणो चा। और ये बगल में देखा ये ठेली भी लगाई, तो ये भाई साहब जो है लोकल है, आप लोकल था गढ़वाली, तो ये भाई साहब जो है गढ़वाल छे ना, लोकल छे ना, यू मांग या छ कि ये टॉयलेट जो गवर्नमेंट लगाई चा, तो ये कम से कम दूर हो चाणो चा। और बात बिल्कुल सही छ भाई, कि ये में लोग बहुत आने ना और पैंट पी जाते ना, और ये गंद भी कर देते, तो मेरे ख्याल से जैसे बढ़िया ये बनाई हो वैसे बढ़िया, अगर ये टॉयलेट था ये थोड़ा सा दूर रख दा तो मेरे ख्याल से बढ़िया रहा लो। ठीक है, देखो भाई ये लोग खुश वैगिन भाई, धन्यवाद। संघ वाले दुगड्डा में जो है कि अपनी कार्रवाई करते हुए, और ये संघ के लोग बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया। संदर की भोजन भाई है, तो दगड़े अमूल अमूल ले ली भुजी, और ये खमा अमूल तो कटम भुजी भाजी ले ली, ये ले ली और भुजी लेके अब जन्दा अग्नि। और यू भाई साहब चाकू तेज कौन गढ़वाल, चाकू तेज कर रहा भाई, गढ़वाल के चाकू तेज कर रहे आप? जी सर, बहुत बढ़िया भाई, गढ़वाल चाकू तो तेज कौन चा, आदि देसी और चाकू छिन गढ़वाली, अरे तेज कन पर लगे भाई। यहाँ का मार्केट तो गड्ढा पहुंच गयो लेंस डोना आस पास, और आप देख सकते हो कि एक पूरा जो कोलेंग कोलेंग डाला छे ना, पूरा चीड़ा चीड़ा पेड़, और चारों तरफ आप देख सकते हो जो बीच ना कोलेंग डाला छे ना। और मैं जै जगह में खड़ो छू वो एक बहुत सुंदर नर्सरी छे, पीछे आप देखने वाला, और ये नर्सरी छे फरसुला में, ये जगह काफी फेमस छे, और आप देख सकते कि एक नर्सरी छे, और ये बहुत बढ़िया बने हुए भाई, शानदार देर डाल बोटों सर, बहुत बढ़िया नर्सरी। और यू देखा एक लिखी हूँ फरसुला पौधशाला स्थापना वर्ष 1980 लैंसडाउन रेंज लैंसडाउन, तो दगड़े ये बहुत बढ़िया बात है, एक जो कि नर्सरी और बहुत सुंदर लगनी छ। ये से क्या है कि हमारा जो वन छ ना वो सुरक्षित रहा, और एक छोटा मोटा डाल भी ना जो यू पौधा पौधा जो तैयार कर देना, वृक्षों का विकास होगा, बंजरता का नाश होगा। बहुत बढ़िया लाइन लिखी भाई, और ये चलनी चाहिए ठंडी ठंडी हवा, बहुत सुंदर हवा चलनी है, एकदम फ्रेश ऑक्सीजन। अरे आप देख सकते हैं कि एक सब जो डाला थी न्यू, सब कोलेंग डाला थी न्यू। तो मैं हूँ अभी लैंसडाउन से नीचे दलेथा गांव के आसपास, और आप देख सकते हैं कि आज जो है नवरात्रे शुरू हो गए, और यहाँ एक मंदिर है, और मंदिर में जो है कीर्तन भजन चलना है ना, आप देख सकते हैं। और ये देखा गोंग बच्चा लगे चल, क्या दिन पर दगड़े ठीक ठाक पहचाने ली पहचाने ली, और दगड़े ये जो मेरे पिछले ब्लॉक में भी छाई, और यहाँ पिछली बार पिछले ब्लॉक में जो ये प्रधान जी भी मिल चाह, हम पहुंच गए अभी चमाटा खाल में, और जरा खान पीना व्यवस्था देखता क्या क्या मिल। चलो खैर मैंने तो है पहले खाने का डिसाइड कर लेते हैं, आप बताओ थाली लगा दो है? और झगड़े देखा ही होंगे मैं दुकान चा, और ये मोड़ यू होंगे मकान चा, ये मोड़ यू चूंग नई मकान बनाई होंगे, बहुत बढ़िया लग रहा है। और ये हम देखा लिखो चा बाहर का खाना और नाश्ता अंदर खाना मना है, दगड़ियों हमने खानों को ऑर्डर कर ली, और अब
दगड़ियों खानो जो मन मंगाई बिल्कुल बढ़िया खानो छ और प्लेन खानो छ। आप तो दिखो में देखा एक रोटी चावल दाल कड़ी सब्जी सलाद और बहुत सुंदर और बढ़िया खानो फ्रेश खानो। तो गाइस अभी हमारा हो गया यहाँ पे लंच और बहुत बढ़िया लंच था भाई साहब ने। और ये भाई साहब है हमारे जो कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजर है। क्या नाम भाई साहब का? विकास कोटनाला। तो भाई जी का नाम है विकास कोटनाला और इनका रेस्टोरेंट का नाम है गंगोत्री रेस्टोरेंट, है ना। और ये पड़ता है चमेटा खाल बिल्कुल रास्ते में। अगर थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, थैंक्स। और निकलते हैं अभी अगले पड़ाव की तरफ। दगड़ियों में पहुंच गया हूं चकुलिया खाल में, जो कि यहां से एक रास्ता ये जाता है ताड़केश्वर महादेव मंदिर के लिए। और यहां से जो है ताड़केश्वर महादेव मंदिर जो सिर्फ 5 किलोमीटर है। आप देख सकते हैं चकुलिया खाल में यू एक बस स्टॉप बनी हुई है, बहुत ही बढ़िया तरीके से बनी हुई है। देखा थी कितने अच्छे बने हुए। और यू रास्ता सीधा लेंस डाउन जानो और यू रास्ता जानो छो आप को ताड़केश्वर महादेव। और हम यू देखा एक काफल गेट जो कि एक रेस्टोरेंट है या स्टेइंग वाला बोलेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने वेज मंचूरियन फाणू भटवानी इडली सांभर फ्रेंच फ्राई गैत के पराठे। ये कुछ ही किलोमीटर आगे पड़ता है काफल गेट और वहाँ का मेनू है ये। गाइस ये देखिए रास्ते में एक लंगूर शायद मुझे लग रहा है मर गया और ये जो है एक्सीडेंट से ही मरा होगा। हम लोग लेके जाते हैं लेकिन ये अभी खत्म हो चुका है और मुझे लग रहा है ये गाड़ी की टक्कर से हुआ होगा। तो भाई लोगों ध्यान से चलाएं, गाड़ी हो जाता है कभी कभार लेकिन इस बेचारे की तो जान चलेगी। भाई दूध है क्या? एक लीटर दे दो। और गाइस ये है रिकनी खाल मार्केट और ठीक है मार्केट बहुत बढ़िया है, हर चीज मिल जाती है यहाँ पे। आप देख सकते हो यहाँ पे बुनियादी चीजें सारी की सारी हैं। हम पहुंच गए रिकनी खाल में और आशीष भाई तो हमेशा डेली मिलते हैं, हर ब्लॉग में मिलते हैं। बढ़िया लग रहा है इनको, इनको यही मिलता है। लेकिन एक चीज है यार, उस रोड का भी उद्घाटन करो, उसको करो बनाओ कुछ है भाई जी, और रोड भी बनाओ वो। ये भाई राज भाई साहब की चाय, लोग चाय लो। सौंडल यहाँ चाह बढ़िया लगनी रोशन। और ये देखो भाई ये नेपाली भाई लग रहा है, बहादुर है बहादुर। नाम क्या है? और ये बिल्कुल रोड पे खेल रहा है अपने ट्रक लेके देखो। और ये इस रोड पे खेल रहा था और यहाँ बैंड भी है। और ये देखो ये इस पानी में ये खेलने पे लगे हुए थे ये। और खतरनाक जगह है यार, है जंगल है, ऊपर से स्लाइडिंग है और यहाँ पर ये मोड़ भी है। दगड़े ये देखा ये बोड़ा जी ना, अरे यूं अब दगड़ सिंह होगा बगटे बगटे सिंह। अच्छा तो आप नमस्कार है। नमस्कार जी, ये बोटा जी हम तो मिले रास्ते में का। अरे यू दगड़ जी दीप बगटी से ना लड़ेकना से। अरे यू तुम्हारे यू कल जाना यू गुर माखण। अच्छा गुर माखण ढूंग तोड़ना काम आ जाए। अच्छा अच्छा दुई काम आ जाने। ये देखो भाई ये आगे दुई छी। अच्छा दुआ दुई लड़ेकना यू। अच्छा अच्छा क्या क्या नो चो एक विक्रम जय सिंह। ये विक्रम अरे एक नो जय सिंह। नौ बड़े धरे तुम्हारा है। अरे यू देखा भाई बोड़ा जी नौ बड़े धरे, एक नौ जय सिंह और एक नौ विक्रम। तो यू जो विक्रम कदा साल छू ये साल भर है, मतलब फागुन में साल भर आने ये साल भर छो। अरे यू दगड़े ओ तू दगड़े छू है। अच्छा कन कन के पता चल जाऊंगा डेढ़ साल में दांत तोड़ी नहीं। अच्छा डेढ़ साल में, डेढ़ साल। अच्छा ठीक ठीक डेढ़ साल में दांत तोड़ने बकुट डेवर। अच्छा दांत तोड़ना यहाँ मतलब वो डेढ़ साल हो गए। डेढ़ साल हो गए। अच्छा अच्छा सही, तो बहुत बढ़िया जानकारी दे तो मतलब अगर बकरों उम्र जन। अच्छा तो ये बोटा जी जो पोटेटो है ना
और पोटैटो का यही है ना वही पोटैटो यही पोटैटो छे तो बढ़िया ये नमक अच्छा जो अच्छा तब यू बढ़िया है तुम दगड़ो दगड़ी उल कना छ ना मिल गए के करना यू आपस हम चलो बहुत बढ़िया और अच्छा लगा आप था मिल गए और आपो शुभ नाम राजेश सिंह राजेश सिंह राजेश यू राजेश सिंह बोटा जी और यू जय सिंह और विक्रम तू बकरा छ भाई बहुत अच्छा लगे तो मिलकर रास्ते में छनी बैठे हम भी जाना चाह अच्छी बात है बड़े नमस्कार अरे मुला आप कहीं कहाँ का हम चाहे पापो ब्लॉक सागर सेना अच्छा एक जरा वो जाना ना खालू डांडा एक और दगड़े ये देखा हम आया चाहे अभी रेवा गांव में अरे खेला अरे खेल अरे कंचा की बताओ ये है गाइस रेवा गांव कत लोग बोलो गांव में हैं खाली हो गए छह से ना ठीक है यार ये गाइस यहाँ के बच्चे रीवा के और अच्छा लगा आप लोगों से मिलके ओके बाय बाय कंचे खेना चाहिए अजन निमियो यू फटाफट कंचे कुंचे सब बहर पका दिन है बोलन नहीं वाला हमल वाला नहीं दिखा वाला कंचे कुंचा खैर कोई बात नहीं लड़कों से अच्छी मुलाकात हुई और बढ़िया है हम पहुंच गए खा लूँ डांडा और आप देख सकते हैं कि डांडा डांडा चखा और बिल्कुल ठंड चख ये देखो पूरा डाल बोटा खूब छ अरे यू घाम भी जाना पट गया अब टाइम भी काफ हो गया मैडम जो थी स्कूल बैठा नीचे और हम पहले पहुंच गए खा नमस्कार मैडम जी नमस्कार क्या हाल है पंचायत डंगल गांव विकास खंड नैनी डांडा यू देख दगड़े हमारे चाय बन गई और चाय वो बैठ गया हमारी अब हम बोला एक चाय पियोना तो हम पहुंच गए पर कमरा में मैडम तक अच्छा बैठे अभी अरे हम जो अब चाय पीना पहले अब चाय के बाद तब बातचीत होगी तो फाइनली गाइस डिनर की तैयारी चल रही है और इस वक्त हम हैं जोशी सर के घर पे और ये देखिए सर ने वाव ये फ्राइड राइस वगैरह बना रखे हैं जोशी सर पहुंच चुके हैं कमरे में और आप देखिए ये पहले भी थे हमारे ब्लॉक में और आज फिर सर ने हमें इन्वाइट किया है खाने पे और देखिए कितने मस्त आदमी है भाई ये हैं और मोनी फिर से यहाँ लगी हुई है रोटी बनाने पे फर्स्ट क्लास और खाना जो है कि सर ने जो है लाजवाब बना रखा है मेरे को तो हम सब साथ में रहते हैं इस वजह से हम इस जगह को और एंजॉय करते हैं आज सर सुमन मैम और हम लोग तो सब लोग रोज खाते ही हैं साथ में खाना लेकिन आज आप भी हमारे परिवार में जुड़ गए हैं थैंक यू सो मच जोशी सर थैंक यू सो मच यहाँ पे कोई देखो रोटी की तैयारी कर रहे हैं और कोई पराठे बना रहा है और आज हम मिलके साथ में खाना खाएंगे और ये है हमारी मोनी मैम आप कुछ कहना चाहेंगे ब्लॉक में मैं तो आज ही आई हूँ जोशी सर की सिस्टर हूँ हाँ। और आज ही यहाँ आई हूँ और यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है और सुमन मैम सर लोग सब लोग यहाँ बहुत अच्छे हैं सब एक साथ हम खा लियो डांडा माँ यख एक साथ बैठे छा दगड़े माँ और करना छा खानो नॉर्मल खानो और बढ़िया खानो तो पुलाव पुलाव भी नहीं कहेंगे वेज राइस मुझे तो ये फ्राइड राइस लग रहे कह सकते हैं ये फ्राइड राइस लग रहे ये ओट्स की खीर है अच्छा ये ओट्स की खीर है ये फ्रूट रायता है ओके ये फ्रूट चटपटा ओके और ये दाल ये पंजाबी छोले हैं ओके पंजाब और सर ने बना रखा बड़ा लजीज खाना मेरे को तो एक्चुअली भूख नहीं थी लेकिन अब खाने देखो भूख लग रही है तो स्टार्ट करते हैं अभी ना तो फाइनली गाइज आज हमारा डिनर जोशी सर के यहाँ था मोनी मैम के यहाँ था और आज हमने बहुत बढ़िया डिनर किया और अच्छा लगा और ये तो मतलब जैसे पहाड़ों में ना पहाड़ी लाइफस्टाइल वाला ब्लॉग हो गया बिल्कुल सही है ना बिल्कुल है ना तो गाइज आज का ब्लॉग की करते हैं समाप्ति और मिलेंगे आपको एक और नए ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय सौर्यास निहारी होली उमा बड़ चुका था ये बड़ चा ये ठीक चु भी कुछ लंपा कौन होने ये देखो भाई हैं यार 30 नहीं लगे ना है ना हाँ ये डाल भाई ये देखो ये छे ना तो ये डाल ये 30 नहीं लगे दिया लाइन ये बकर भी खाने दे खाने दे नहीं पड़ता लेकिन तकरीबन सभी लोगों जिन्हें बकरा ना सभी है ये देखो।
और ये देखो गाइस यहाँ जंगल शानदार, और राहुल भाई जो है अपने बकरियों के साथ में है, और आजकल भाई की छुट्टियां हो रखी हैं। मगर कतक छिन तुम्हारा कतक छिन 11? अच्छा हाँ वो करते हैं। मेरी भारी